हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे आ की मात्रा की कुछ और वर्कशीट्स। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट वन कवर अप किया था आ की मात्रा का, उसमें मैंने आ की मात्रा की वर्कशीट्स बताई थी। तो कुछ वर्कशीट्स मेरी और रह गई थी, तो मैं ये सेकेंड पार्ट है आज का, आज के वीडियो में कवर अप करेंगे हम। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। फर्स्ट वर्कशीट जो हमारी आ की मात्रा की है आज की, वो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। उसमें मैंने बनाया है चित्र पहचान कर पहला अक्षर लिखिए। मतलब यहाँ पर मैंने कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स बना दी हैं और बच्चों को इसमें पिक्चर देखकर अक्षर बताना है पहला अक्षर कौन सा आएगा यहाँ पे। जैसे मैंने ये पिक्चर बनाई है कान की, तो इसमें पहला अक्षर क्या है, का। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, न। तो पहला वाला जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कान। उसी तरह से क्या है पिक्चर, माला। तो माला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, म। म को किसकी मात्रा का साउंड आ रहा है, आ की मात्रा का, माला। इसी तरह से गमला, तो पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, ग। ग और मला, गमला। आपको इस तरह से बच्चों को फिंगर रख के पूछना है फ्रेंड्स कौन सी पिक्चर है, और वर्ड को एक दो बार साउंड के साथ बुलवाना है आ की मात्रा के साथ कि कहाँ पर कौन से व्यंजन के ऊपर आ की मात्रा आ रही है, जिससे कि उन्हें बार बार पूछेंगे आप तो आ की मात्रा उन्हें समझ में आएगी। गाजर, गाजर में सबसे पहला अक्षर क्या है, ग। ग को किसकी मात्रा है, आ की मात्रा, गाजर। उसके बाद ताला, क्या बनाया ये, आठ। आठ, जाला। इस तरह से ये हम इसमें क्या लिखते जा रहे हैं, इस वर्कशीट में सबसे पहले का अक्षर लिखना है। बादल, बादल में क्या है, बा। बादल, बादल। आम, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो ये टाइम टेकिंग वर्कशीट है फ्रेंड्स। बच्चों को थोड़ा सोचने दीजिएगा, टाइम पूरा दीजिए उन्हें, जिससे कि वो ये वर्कशीट अच्छे से कर पाएँ। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मुझे पता है। तबला, ओके। तो इस तरह से ये वर्कशीट देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और आप ऐसे बच्चों को आ की मात्रा की अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये एग्ज़ाम लेवल के लिए भी बहुत अच्छी है बच्चों के लिए वर्कशीट। ये वर्कशीट फ्रेंड्स एग्ज़ाम लेवल के लिए भी बच्चों के लिए बना सकते हैं आप, अगर आपको अच्छी लगे वर्कशीट तो। अब बारी आती है हमारी सेकेंड वर्कशीट की। वर्कशीट में लिखा है मैंने चित्र देख कर वाक्य पूरा करो। आ की मात्रा के आप ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने डैश लगाया, एक पिक्चर भी बनाई है और साथ में आगे मैंने सेंटेंस लिखा है, खा आम खाकर हाथ साफ कर। इसमें मैंने सिर्फ आ की मात्रा के ही, ध्यान से देखिए आप तो, आ की मात्रा के ही अक्षर लिखे हैं, दो अक्षर के, तीन अक्षर के शब्द वही लिखे हैं, चार अक्षर के। तो इस तरह से बच्चे को क्या हो रहा है, बुक रीडिंग करने में ये जो वर्कशीट है बहुत हेल्पफुल रहती है फ्रेंड्स। तो इस तरह की फ़िलप्स वाली वर्कशीट तो आप ज़रूर करवाइए। अगर बच्चे को देखो पहले पिक्चर पता होगी तो वो आराम से फ़िलप्स कर लेगा। आम की पिक्चर बनी है तो यहाँ लिखेगा, क्या लिखेगा, आम खाकर हाथ साफ कर। पूरा सेंटेंस आपने फ्रेंड्स बच्चों से रीड करवाना है। इसमें रीडिंग प्रैक्टिस भी हो रही है और आ की मात्रा की भी प्रैक्टिस हो रही है, प्लस बच्चों को यहाँ पर बुक में रीडिंग करने को बहुत हेल्पफुल है ये वर्कशीट। तो प्लीज़ ये मैं कहूँगी, ये वाली वर्कशीट तो आप ज़रूर बच्चों को ट्राई कीजिए, बनवाइए। नेक्स्ट क्या है, रमा डैश ला। रमा क्या ला, क्या बनी है पिक्चर, टमाटर। रमा टमाटर ला, ट मा ट र। जब बच्चों को आ की मात्रा के अक्षर आ जाते हैं तो ये फिलप्स करने में फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहते हैं। आभा तबला बजा, तो डैश में क्या आएगा, यहाँ पे पिक्चर देखी बच्चे ने, तबला, तो क्या आएगा, त ब ला, आभा तबला बजा। राधा, क्या बनी है पिक्चर, माला पहन, तो यहाँ क्या आएगा, माला
पहन, इसी तरह से आसमान पर क्या है बादल छाया, क्या लिखेंगे यहाँ पे बा, ब को किसकी मात्रा है आ की, द ल बादल, राजा नया बाजा लाया, क्या आएगा यहाँ पे बा जा। तो देखिए इस तरह से आप ये वर्कशीट करा सकते हैं। अब इस वर्कशीट में आपको क्या कराना है, वाक्य बनाओ। जब बच्चों को फिलअप्स करने आ जाएं, जो अभी मैंने वर्कशीट बना के दिखाई थी आपको सेंटेंसेस वाली, उसके बाद बच्चे वाक्य बना सकते हैं। इसमें जैसे एक वर्ड दे दिया यहाँ पे छाता, तो छाता पे बच्चे को क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, हिंदी में वाक्य बनाना है। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे हम क्या लिखेगा बच्चा, छाता पहन कर चल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, माला, तो माला का क्या बनेगा वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बताने हैं बच्चों को। जया माला पहन। अब इसमें देखिए मैंने अभी सिर्फ आ की मात्रा ही अभी तक अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस किए फ्रेंड्स, तो मैं सिर्फ आ की मात्रा से रिलेटेड ही सिंपल वाक्य बच्चों को बता रही हूँ, कोई और मात्रा नहीं लगा रही। तो आपको इस तरह से ये वाक्य बनाने वाली शीट भी बच्चों के लिए हेल्पफुल रह सकती है आ की मात्रा की प्रैक्टिस पर्पज़ से। तो आप ऐसे बना सकते हैं छोटे छोटे वाक्य बच्चों के लिए। अनार, अनार में क्या है, क्या सेंटेंस बनेगा, जय अनार खा या आभा अनार खा, और हर सेंटेंस के बाद क्या लग रहा है यहाँ पे पूर्ण विराम, ये भी आपको बच्चों को साथ में बताना है, जिससे कि आगे जैसे जैसे वो क्लास में अप करे आगे आगे जाए तो उसको समझ में आए कि सेंटेंस के बाद कहाँ पे कॉमा लगेगा या पूर्ण विराम लगेगा या फुल स्टॉप, जो भी लगाना है। यहाँ हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं हम, तो पूर्ण विराम बताना है। उसके बाद क्या है, चावल, चावल पे क्या सेंटेंस बनेगा, आभा चावल खा, हो गया। उसके बाद तबला, तबला इस पे क्या बनेगा, राम तबला बजा। नेक्स्ट क्या है, गाना, जय गाना गा। तो ये हमारे क्या हो गए, इजी और सिंपल सेंटेंसेस हो गए, और इसमें क्या हो गया बच्चे को वाक्य बनाने भी आ गए। ओके, तो उसके बाद हमारी आज की एक लास्ट वर्कशीट है, ये एक तरह की गेम बनाई है मैंने आ की मात्रा की वर्ग पहेली। इसमें बच्चे को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग वर्कशीट है फ्रेंड्स, तो ये वाली वर्कशीट भी आप करवा सकते हैं बच्चों को। चित्रों के नाम वर्ग पहेली में खोजकर गोला कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम है ये, इसमें वर्ड्स को ढूंढना है आ की मात्रा को। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पिक्चर्स बनाई हुई हैं, पहले बच्चे से आप पिक्चर्स का पूछिए कौन कौन सी पिक्चर हैं, जैसे छाता गाजर गमला कान और हाथ। तो अब जो ये पिक्चर बनी हुई है इन्हीं को देखते हुए बच्चे को वर्ड फाइंड आउट करने हैं, अक्षर देखने हैं, उनको गोला लगाना है। सबसे पहले क्या है हमारा, छाता, तो इस पे पहले हम टिक कर लेंगे छाता। इसमें छाता सर्च करेगा बच्चा, कैसे सर्च करेगा, पहले लाइन में देखिएगा छ कहाँ लिखा है, कहीं नहीं दिखा, यहाँ लिखा है छाता में किसकी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा, छाता, तो ये मिल गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गाजर, अब क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें, गाजर, तो यहाँ देखेंगे ग कहाँ पे लिखा है, ये ग लिखा है जबकि साउंड क्या आ रहा है, गा, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद दूसरी लाइन में बच्चा देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी, यहाँ नहीं दिखा, ये गा ज र। तो इसमें बच्चे को थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर जैसे ही बच्चों को वर्ड सर्च में हो जाता है तो बच्चे खुश होते हैं कि उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, गेम समझ में आ रहा है, तो वो ये वाले गेम को फिर दोबारा करने की कोशिश भी करते हैं और बनवाते भी हैं पेरेंट्स से कि हमें और करने को दीजिए। नेक्स्ट क्या है, कान, इसमें का ढूंढना है पहले, कान, तो ये रहा का, कान, कान, ये टिक कर लिया। गमला, तो गमला में पहले ग में क्या आ रहा है, आ की मात्रा नहीं आ रही, तो ग सर्च करना है, ये रहा ग, म और ला, गमला।
ये टिक कर लिया। यहाँ पर लास्ट क्या रह गया, हाथ। अब यहाँ देखना है हा कहाँ लिखा है, ये रहा। और थ ढूंढना है तो ये रहा था हाथ। तो ये सिंपल, ये क्या हो गई, एक अच्छी वर्कशीट बन गई ना फ्रेंड्स ये। और इसमें गेम की गेम हो रही है, बच्चों को मज़ा भी आ रहा है। तो आप इस तरह से ये वर्कशीट बच्चों को करवा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वर्कशीट्स हैं। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर न्यू हैं। तो मिलते हैं हम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।